हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माया और हमारी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। फ्रेंड, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सोया कीमा। सोया कीमा बनाने के लिए हमने ये सोया 2 कप सोया चंक्स लिए हैं, जिनको हम गुनगुने पानी में भिगोकर 10 मिनट के लिए रखेंगे। पानी हमने गर्म कर लिया है, अब इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं। अच्छे से इनको भिगोकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको दबा दबा कर अच्छे से इनका पानी निकाल देंगे। आप चाहे तो 2-3 बार इसको पानी से धुल सकते हैं। देखिए इस तरह से पानी इसमें बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए एकदम ये ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। हमें इनका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है इनको। देखिए सोया चंक्स को मैंने दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा पीस दिख रहा होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग ये हम डाल देते हैं, 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। खड़े मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हमने 2 बड़े प्याज लिए थे, जिनको फाइन चॉप कर लिया है, वो डाल देते हैं। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही बढ़िया बनेगा, एकदम होटल जैसा टेस्ट आएगा। बस आप एक बार हमारी तरीके से बना के देखिए, मज़ा आ जाएगा। फिर आप हर बार इसी तरह से ही बनाएंगे। देखिए अब हमारा प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हमने इसके लिए 1 कप हरी मटर ली थी, वो हम इसके साथ डाल देते हैं। इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, इसको भी हम भून लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर का यूज किया है, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 हमने बड़े टमाटर लिए थे, जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। आप चाहे तो इसमें टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं या टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। लंबे लंबे पीस काटने से ये जल्दी गल जाते हैं। अब हम इस स्पैचुले की हेल्प से टमाटरों को थोड़ा मैश कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसके डालने से तीखापन नहीं ज़्यादा आएगा और कलर बहुत बढ़िया आएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला मैंने अभी डाला है और 1/2 चम्मच गरम मसाला मैं रेसिपी बनने के बाद यूज करूँगी। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब हम मसाले को चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसमें दही मिक्स करेंगे। इसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच दही लिया था, ये घर का बना हुआ फ्रेश दही है, वो डाल देते हैं और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। दही हमें गरम मसाले में बिल्कुल नहीं डालना है, अगर हम गरम मसाले में डाल देंगे ना तो फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें दही को ठंडे करके ही डालना है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और दही को भी मसाले के साथ पका लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें दही का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, आप इसको बिल्कुल भी मत स्किप करना, इसको ज़रूर डालिएगा। अब हम दही को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। देखिए तेल हमारा सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें जो मैंने सोया चंक्स पीस के रखे थे दरदरे, वो डाल देते हैं।
अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है, आप इसको चावल के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, जिससे आपकी मर्जी हो उससे आप इंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, पानी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगी। फ्रेंड्स इसको बनाने में थोड़ा समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये इतनी प्रोटीन रिच है कि हमारे हेल्थ और टेस्ट दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है। सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको हम ढककर 7 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है पककर, कितना देखने में ही आपको कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा होगा, देखिए कितना टेस्टी बना है। अब इसमें हम ये बीच से कटी हुई 2 मिर्ची डाल देते हैं, हरी धनिया डाल देंगे, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला और डाल दिया है। 1 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। अगर आप चाहें तो इसको देसी घी में ही इसका तड़का लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा ये। रेसिपी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आ रही है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना घर में, तब लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लीजिए रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।